गर्मियों में एक गिलास गन्ने का जूस न सिर्फ स्वाद में टेस्टी लगता है, बल्कि इसे पीने से शारीरिक बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। भारत में गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है। इसे पीने से कई तरह की बीमारियां जैसे एनीमिया, जॉइंटिस, हिचकी आदि ठीक हो जाते हैं। अल्पपित्त रोगों में गन्ने का ताज़ा रस काफ़ी फायदेमंद है। गन्ने में मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। मौसम बदलने की वजह से लोगों को बुखार हो जाता है, जिसमें गन्ने का सेवन करने से बुखार जल्दी उतर जाता है। वे लोग जो डाइटिंग करते हैं वो भी गन्ने का जूस पी सकते हैं, क्योंकि इसमें 0% फैट होता है। गन्ने का जूस प्राकृतिक मिठास लिए होता है। एक गिलास गन्ने के रस में आपको कम से कम 180 कैलोरीज मिलेंगी, जो कि काफ़ी कम मानी जाती हैं। यदि आप सोचते हैं कि गन्ने का रस मीठा होता है, इसलिए यह सर्दी जुखाम में पीने के लिए खराब है, तो आप गलत हैं। यह सर्दी जुखाम को पल भर में सही कर देता है। गर्मियों में गन्ने का रस निकालकर उसमें नींबू और सेंधा नमक मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। इस वीडियो में देखिए कि आपको गर्मियों में गन्ने का जूस क्यों पीना चाहिए। यदि आप मुहासों से परेशान हैं, तो गन्ने का रस आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। गन्ने को नियमित पिया जाए तो मुहासे ठीक हो जाते हैं। आप चाहें तो इसका मास्क बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको गन्ने के रस में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट बनाना होगा और उसे चेहरे तथा गर्दन पर लगाना होगा। इस मास्क को चेहरे पर 20 मिनट तक के लिए रखें, फिर इसे गीली तौलिए से साफ कर लें। ऐसा हफ्ते में एक दिन करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका चेहरा साफ होने लगेगा और मुहासों में कमी आने लगेगी। गन्ने के रस से आपको तुरंत ही एनर्जी महसूस होगी। यह आपको ताज़ा रखने के साथ साथ खुश भी रखता है। पीलिया ठीक करने के लिए रोज 2 गिलास गन्ने के रस में नींबू और नमक मिलाकर पीना चाहिए। यदि आप डायबिटीज के शिकार हैं, तो गन्ने का जूस पी सकते हैं, क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है। इसमें बिल्कुल भी हानिकारक मिठास नहीं होती। अल्कलाइन प्रकृति होने की वजह से यह कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से प्रोस्टेट, पेट, फेफड़े और स्तन कैंसर में। अगर आपको गर्मी के कारण काफ़ी उल्टी हो रही है, तो 1 गिलास गन्ने का रस पिएं। इसमें आप 2 चम्मच शहद मिला सकते हैं। इससे रोगी को आराम मिलेगा और गन्ने के रस को ठंडा पीने से उल्टी बंद हो जाएगी। अगर आपको पेशाब करने में जलन महसूस हो, तो गन्ने के रस को पीने से पेशाब खुलकर होती है, साथ ही मूत्र संबंधी समस्या भी दूर होती है। अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो गन्ने का रस का सेवन शुरू करें। ये मीठा होने के बावजूद भी फैटलेस होता है। यह हमारे शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि वजन बढ़ने का मुख्य कारण है। यह घुलनशील फाइबर से भरा है, जो कि वजन कम करने में मदद करता है। तो ये थी गन्ने के रस को पीने के क्या क्या फायदे हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मैं